नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में 42 छात्रों को लॉटरी सिस्टम से मिला प्रवेश। उमरिया जिला मुख्यालय सगरा मंदिर समेत केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां केंद्रीय विद्यालय संस्था द्वारा उक्त कक्षा के लिए 7 अगस्त तक आवेदन लिए गए एवं विद्यालय परिषद ने लॉटरी सिस्टम के तहत आए 42 आवेदनों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है एवं शेष छात्रों में से कुछ नाम प्रतीक्षा सूची में भी सुरक्षित रखे गए हैं। वह जिला शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार ध्रुवे एवं केंद्रीय विद्यालय संस्था के प्रचार प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमानुसार सीमित अभिभावकों को बुलाया गया था एवं इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर को लेकर विशेष एहतियात बरते गए हैं एवं अन्य औपचारिकताएं भी शासन के निर्देशानुसार की जाएगी। वही छात्रों के अभिभावकों ने जानकारी देते हुए कहा कि क्लास 1 के लिए लॉटरी सिस्टम से केंद्रीय विद्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत एडमिशन प्रोसेस की गई है, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया में संतुष्ट हैं। इसे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, केंद्रीय विद्यालय उमरिया में भी पूरे देश की तरह आज टाइम दिया गया था 2 से 3 बजे के बीच क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन लॉटरी हुई है, जो यहाँ भी कंडक्ट की गई प्रवेश समिति के सदस्यों के द्वारा। सबसे पहले RTE की हुई है, फिर डिफरेंटली एबल के लिए यहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, SC ST OBC, कैटेगरी 3, ये सब की लॉटरी की गई और सारी प्रक्रिया इस तरह से संपन्न हुई। क्लास 1 के लिए लॉटरी सिस्टम से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की गई है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आए थे तो लॉटरी सिस्टम किया गया और पारदर्शिता करने के लिए यहाँ पे हमारे अनुविभागीय अधिकारी को और 2 गार्जियन को बुलाया गया था। तो मैं और एक मैडम और आई हुई थी, तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस चला है लॉटरी सिस्टम का और जिसमें काफ़ी पारदर्शिता भी की गई। इसका ऑनलाइन प्रोसेस हुआ और यूट्यूब में इसको लाइव भी दिखाया गया और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी किया गया। एक KV उमरिया में इसका यूट्यूब में ऑनलाइन पूरा चला है, जो भी देखना चाहता है उसमें देख सकता है। पूरी पारदर्शिता इसमें अपनाई गई है और इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कहीं पे भी किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं है। ऑनलाइन लॉटरी ये लोग किए हैं, जिसमें इनके यहाँ क्लास 1 में 40 सीट हैं और उसमें कैटेगरीज वाइज जो सीट निर्धारित हैं उसको अपने समिति में जो सदस्य थे उनके माध्यम से आज ये किया गया है और शाम तक उसको ये पूरा कर देंगे और सिस्टम में आ जाएगा, सब लोग देख सकते हैं। पारदर्शी आप लोगों को बुलाया गया था, कमेटी के सारे सदस्य थे, गार्जियन थे, उनके यानी समक्ष में काम किया गया है और पूरी पारदर्शिता इसमें बरती गई।